हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यूट्यूब चैनल बीइंग योरसेल्फ में आपका वेलकम कहती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स को समझने से पहले हमें कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि राइम। राइम मीन्स रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड। राइम का मतलब है रिपीटेशन, एक जैसे साउंड का रिपीटेशन। जैसे कि कैट, रैट, बट, वॉट, इन वर्ड्स की एंडिंग साउंड सिमिलर है, इसीलिए ये राइमिंग वर्ड्स हैं। वैसे ही क्लास, मास। नाउ मीटर। अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ लाइन वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक साउंड्स आर सीन। एक स्पेसिफिक पैटर्न जहाँ वर्ड्स में वीक और स्ट्रॉन्ग साउंड या सिलेबल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि गिटार। इसमें गी वीक है या अनस्ट्रेस्ड है क्योंकि इसे बोलने में कम एनर्जी लग रही है, और टार स्ट्रेस्ड या स्ट्रॉन्ग है जो कि मोर एनर्जी के साथ बोला जा रहा है। अब आयम्बिक पेंटामीटर, अ मेट्रिकल लाइन इन विच अ वीक साउंड इज फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग साउंड। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब है वीक सिलेबल या साउंड पहले आए और फिर स्ट्रॉन्ग सिलेबल आए, जैसे कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इस एग्जाम्पल में इफ, जिक, द, ऑफ, प्ले, ये सारे वर्ड्स वीक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम एनर्जी लग रही है इन्हें बोलने में। और म्यू, बी, फूड, लव, ऑन, इन सारे वर्ड्स को मोर एनर्जी के साथ बोला जा रहा है। और इट्स अ टेंस सिलेबिक लाइन, दस अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस साउंड का कॉम्बिनेशन होता है आयम्बिक पेंटामीटर में। और अगर आप आयम्बिक पेंटामीटर को डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी आयम्बिक पेंटामीटर वाली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स को समझते हैं। ब्लैंक वर्स अ टाइप ऑफ पोइट्री विच हैव नो राइम बट हैव मीटर, यूजली आयम्बिक पेंटामीटर। ऐसी पोइट्री जहाँ कोई राइम ना हो, जैसे कि कैट रैट्स वाले वर्ड्स ना हो बट आयम्बिक पेंटामीटर हो, यानी कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस साउंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिले, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। और दूसरा एग्जाम्पल है, डू आई बिहोल्ड दीज स्ट्रिप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। इन लाइंस में कोई भी राइमिंग नहीं है पर मीटर है, इसीलिए ये ब्लैंक वर्स में। नाउ सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम हेनरी हवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने इसे यूज किया था एनियड, जो कि वर्जिन की एक लैटिन बुक है, उसके ट्रांसलेशन में। फिर थॉमस सैक्विली और थॉमस नॉर्टन ने इसे इंग्लिश की पहली ट्रेजिडी गॉर्बोटक को लिखने में यूज किया था। एंड लेटर ऑन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टिंटन एबे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलिसिस जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस पोम्स भी इसी राइटिंग स्टाइल में लिखे जाने लगे, इसीलिए भी इसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्रिस्टोफर मार्लो, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। व्हाई? बिकॉज इन्होंने ब्लैंक वर्स को क्रिएटिव और मोर डेवलप्ड फॉर्म में यूज किया था। इनके बड़े बड़े वर्क्स जैसे कि टैम्बरलीन, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकेंड, ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।